तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियडिक ट्रेंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद करना है और अच्छे से समझ लेना है। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटॉमिक साइज के ऊपर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। टॉप टू बॉटम आने पर जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल। लेकिन एटॉमिक रेडियस में ही हमारे पास दो एक्सेप्शन आ जाते हैं। पहला एक्सेप्शन कहाँ आता है, गैलियम और एल्यूमिनियम में लगभग सिमिलर एटॉमिक रेडियस हो जाती है जो कि इंक्रीज होनी चाहिए थी, ठीक है। और थैलियम और इंडियम में भी लगभग सिमिलर हो जाती है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसे हम इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मानते तो लगभग सिमिलर ही बोल देते हैं। तो अगर एटॉमिक रेडियस में यहाँ पर डिफरेंस आया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस किस तरीके से आएगा हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो जैसे ये है हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नए ऑर्बिटल की एंट्री कहाँ पर हो रही है, एक तो यहाँ पर डी आ रहा है और एक ऑर्बिटल आ रहा है यहाँ पर एफ, ठीक है। अब देखो टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, ठीक है। अब होगा क्या, एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन में भी देखोगे तो बोरोन से एल्यूमिनियम तक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम मतलब एक्सेप्शन कहाँ रहा है, यहाँ पर साइज इंक्रीज होने के बजाय लगभग सिमिलर हो जाता है। फिर गैलियम के बाद इंडियम तक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर इंडियम के बाद जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था थैलियम पर वो इंक्रीज नहीं होता, वो भी लगभग सिमिलर हो जाता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी यहीं पर हमारे पास एक्सेप्शन आने वाला है, मतलब बोरोन से एल्यूमिनियम तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू साइज। तो बोरोन से एल्यूमिनियम तक वैल्यूज देखते जाना और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाना। बोरोन से एल्यूमिनियम तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, डिक्रीज। अब एक्सेप्शन आया हमारे पास एल्यूमिनियम से गैलियम में, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको जो डिक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज हो गया, एल्यूमिनियम से गैलियम पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब गैलियम से इंडियम पर कोई एक्सेप्शन नहीं था, एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई थी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब इंडियम से थैलियम फिर एक्सेप्शन आया तो इंडियम से थैलियम पर फिर हमने इसे एक्सेप्शनली क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि जहां पर डी ऑर्बिटल आया मतलब गैलियम और जहां पर एफ ऑर्बिटल आया मतलब थैलियम, यहां पर ट्रेंड का उल्टा कर देना, बाकी सब हमारे पास नॉर्मल चलेगा, ठीक है। और ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि जहां पर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं, बता देता हूं मैं, एस ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके बाद पी ऑर्बिटल का, उसके बाद डी ऑर्बिटल का और उसके बाद एफ ऑर्बिटल का। एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे वीक होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एस पी के बाद डी ऑर्बिटल की, तो जहां पर भी डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट आता है, ये यहां पर शील्ड कर रहे हैं और ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बीच वाले ऑर्बिटल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये इसको शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा टाइटली बंधा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। तो गैलियम के केस में जब डी इलेक्ट्रॉन इसे शील्ड करते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही वीक शील्ड इफेक्ट है, तो इस वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इस वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और इस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने के बजाय क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेम एफ ऑर्बिटल में होता है, जब यहाँ पर एफ ऑर्बिटल इसे शील्ड कर रहे हैं तो एफ ऑर्बिटल का मतलब बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इंडियम से थैलियम में भी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, देखो इसमें हमें जो ऑर्डर याद रखना है वो ऑर्डर है ये जो वैल्यूज के साथ दिया हुआ है, वैल्यूज हमें पर्टिकुलरली याद नहीं रखनी है, हमें ऑर्डर याद रखना है ये,
बोरोन से एल्यूमिनियम डिक्रीज, एल्यूमिनियम से गैलियम इंक्रीज, एल्यूमिनियम से इंडियम डिक्रीज और इंडियम से थैलियम डिक्रीज। और जब वैल्यूज के साथ में हम देखेंगे तो परफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ये। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो वो दोनों टाइप के ऑप्शन हमारे पास सही होंगे। दो तीन बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि कौन सी फैमिली में आयोनाइजेशन ऑर्डर जिगजैग ऑर्डर में होता है या ऑस्किलेटिंग ऑर्डर में होता है। जिगजैग या ऑस्किलेटिंग का मतलब डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बोरोन फैमिली। देखो दिखाई दे रहा है डब्ल्यू के शेप आ रही है, बोरोन से पहले एल्यूमिनियम, बोरोन से एल्यूमिनियम आया डिक्रीज, फिर एल्यूमिनियम से गैलियम, फिर गैलियम से इंडियम डिक्रीज, फिर इंडियम से थैलियम इंक्रीज। और वैल्यूज देखोगे तो बोरोन सबसे हाई है, उसके बाद जस्ट कौन आ रहा है, थैलियम, थैलियम के बाद कौन आ रहा है, गैलियम, गैलियम के बाद कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद कौन आ रहा है, इंडियम। तो इस तरीके से हम इसका कर्व याद रख के भी आयोनाइजेशन एनर्जी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन बोरोन फैमिली में नहीं। बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ पर एक्सेप्शन होते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है यहाँ पर, बोरोन, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज दी गई हैं और ऑर्डर दिया गया है, ये ऑर्डर हमें डायरेक्टली यहाँ पर से याद रख लेना है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NH2NP1, मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +1, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकले तो +1 एंड +2 कितने हो गए, +3। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ इसका +1 एंड +3, ठीक है। अब +1 एंड +3 में हमें देखो किस तरीके से हमें ये याद रखना होता है, मैं ये सभी फैमिलीज के लिए यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमारे पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब यहाँ पर दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो है +1 और दूसरा है +3। यहाँ पर हम थैलियम में अगर देखेंगे तो जैसे मैंने अगर +3 के बारे में बताया तो +3 क्यों शो करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NH2NP1। तो अगर अकेला इलेक्ट्रॉन P1 में से निकलता है तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1। लेकिन अगर ये पेयर टूटने के बाद जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी सिंगल हो जाते हैं तो हो जाएगा हमारे पास +3, ठीक है। तो बोरोन के केस में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ओनली 1s2 2s2 2p1, ठीक है, सिर्फ एक शेल है न्यूक्लियस और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में। थैलियम के केस में देखें तो थैलियम के केस में जैसा मैंने भी बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, SpDF। SpDF का मतलब है कि थैलियम के केस में सबसे बाहर वाले शेल, ये जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन है, ये NH2 वाले इलेक्ट्रॉन, इनको कौन शील्ड कर रहा है, इनको शील्ड कर रहा है F, और F का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम है। F का शील्डिंग इफेक्ट कम होने का मतलब ये जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन है इन पर इस न्यूक्लियस का डायरेक्टली अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और ये अगर न्यूक्लियस इन NH2 वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसे ब्रेक नहीं होने देगा। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये इसे टूट के दो सिंगल इलेक्ट्रॉन में नहीं होने देगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या लग रहा है, इसका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, या जिसे हम बोल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहां से NH2 ब्रेक नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ओनली स्टेबल, +1 ही यहां पर ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। और बोरोन के केस में क्या है, बोरोन के केस में हम देखें तो सिर्फ बीच में एक 1s2 है और कुछ है ही नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहां पर वीक है, तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर स्टेबल होगा। तो हमें याद रखना है कि ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, मतलब हम पीरियडिक टेबल में डाउन साइड बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सिर्फ इसी फैमिली में नहीं, सभी फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं, जितनी भी फैमिली है उसमें हायर स्टेज पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर मतलब जैसे टॉप पोजीशन पर है ये और ये बॉटम में है, तो लोअर स्टेज पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होता है, ठीक है। अगर जैसे हम बात कर ले कार्बन फैमिली के बारे में या नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम बात कर लेते हैं,
नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP3। ठीक है, अब NH2NP3 का मतलब क्या है, इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस P3 से तो आया 3 और इसमें अगर ये दोनों ऐड कर दिए तो 5, तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट आए इसके, +3 एंड +5। तो टॉप पोजिशन पर कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आर्सेनिक इन तीनों के लिए ये जो टॉप पोजिशन में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, और बिस्मिथ के लिए कौन सा स्टेबल होगा, ओनली +3 वाला, इसके लिए +5 वाला स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। टॉप पोजिशन के लिए हायर ऑक्सीडेशन नंबर और लोअर पोजिशन के लिए, बॉटम पोजिशन के लिए लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, जैसे अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पर बोरोन से और थैलियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज, और +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इससे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछ लिया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। जैसे थैलियम की अगर हम बात करें तो थैलियम है हमारे पास Tl+3 और Tl+1 दोनों टाइप का थैलियम है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, हमने देखा कि Tl के लिए तो +1 ही स्टेबल होगा, तो Tl+3 अपने आप को दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Tl+1 में कन्वर्ट करना चाहेगा, मतलब Tl+3 लेस स्टेबल है और Tl+1 क्या है, मोर स्टेबल है। अब Tl+3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +1 में जा रहा है, मतलब ये खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, और जो खुद का रिडक्शन करते हैं मतलब ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। इसी तरीके से देखो अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले ले हम इसी कंसेप्ट में, तो इसी कंसेप्ट में जैसे हमने SN का एग्जाम्पल ले लिया, SN कौन सी फैमिली का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, और कार्बन फैमिली के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो होते हैं +2 एंड +4। तो SN+2 और SN+4 में से अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कौन सा ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये कार्बन फैमिली में SN की पोजीशन है, कहाँ पर आ रही है, लोअर में। अगर ये लोअर में आ रही है तो इसका मतलब इसका लोअर वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल है, मतलब SN+2 ज़्यादा स्टेबल है SN+4 से। मतलब अगर हमें SN+4 दिया भी गया तो ये खुद को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, SN+2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या हुआ कि SN+4 खुद का रिडक्शन कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि SnCl4 और SnCl2 कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, SnCl4 ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा धीरे धीरे पॉइंट्स और भी आगे काम आते रहेंगे। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन ऑफ एयर, एयर के साथ में क्या रिएक्शन करेगा ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ फाइनली डिवाइडेड इम्प्योर बोरोन, अगर बोरोन है, इम्प्योर बोरोन है और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, और अगर प्योर बोरोन है तो वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो दिमाग में सोचने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि प्योर बोरोन तो रिएक्शन कर नहीं रहा, इम्प्योर बोरोन कैसे रिएक्शन कर लेगा, उसके अंदर इम्प्योरिटी कैसे आ जाएगी। तो हमें दिमाग में ये याद रखना है सिर्फ कि जो बोरोन होता है वो एयर के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए रिएक्शन करने के लिए बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। मतलब अगर प्योर बोरोन है तो वो तो ऑक्सीजन के साथ में नेग्लिजिबल रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर उसके साथ में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है तो वो उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से जलने लग जाएगा। मतलब जैसे बोरोन के साथ में कोई इम्प्योरिटी आ गई, जैसे कार्बन की हम बात कर लेते हैं, कार्बन आ गया तो बोरोन ऑक्सीजन के साथ में नहीं जलेगा, लेकिन कार्बन तो जल सकता है, तो कार्बन उसको बोरोन को हेल्प करेगा जलने में। तो इसीलिए इम्प्योर बोरोन के केस में ये ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, मतलब इजीली थोड़ा सा रिएक्शन कर लेगा, और प्योर बोरोन के केस में ये कम रिएक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 4B इम्प्योर बोरोन का दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है 4B+3O2 गिव्स टू, अगर ऑक्साइड बना रहा है तो ऑक्साइड क्या होगा, B2O3, हम डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में आगे। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम रिएक्ट इन एयर फॉर्मिंग इट्स ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर एक्शंस Al2O3, यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा। कहने का मतलब क्या है इसका, जैसे हमारे पास ये कोई एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, ठीक है, अब ये एल्यूमिनियम है एयर के कॉन्टैक्ट में आया, एयर में क्या होता है, एयर में हमारे पास ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है,
तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ये यहाँ पर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, ठीक है। मतलब ये चारों तरफ से क्या किया इसने, एक ऑक्साइड की लेयर, और ये ऑक्साइड कौन सा है हमारे पास, Al2O3 का लेयर बनाया। जब ये Al2O3 का इसने लेयर बनाया, तो अब ये चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो चुका है। अब अंदर वाले एल्यूमिनियम का और बाहर वाले O2 का एंड एल्यूमिनियम का कॉन्टैक्ट टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। किसकी वजह से, क्योंकि बीच में Al2O3 आ गई। तो अब ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यही लिखा हुआ है, Al रिएक्ट्स इन एयर फॉर्मिंग इट्स ऑक्साइड, इसने ऑक्साइड बनाया विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर एक्शंस। मतलब अब ये आगे की रिएक्शन करने के लिए इसे क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लोहे के ऊपर रस्ट लगता है, जैसे ये अगर आयरन है तो आयरन के ऊपर Fe2O3 जमा हो जाता है। जब आयरन के ऊपर Fe2O3 जंग लग जाता है, तो वो लोहा अंदर से खराब होने से बच जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर उस पर आ चुकी है, ठीक है। गैलियम एंड इंडियम रिएक्शन नहीं करेंगे, और Tl जब रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम की तरह ऑक्साइड पर सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन ऑफ वाटर, पानी के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होंगी। तो देखो, बोरोन पानी के साथ में सिर्फ रेड हीट स्टीम की केस में ही रिएक्शन करेगा। मतलब अगर हमारे पास रेड हीट स्टीम है, तो ही वो पानी के साथ में रिएक्शन करेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है 2B+3H2O, क्या बना रहा है यहाँ पर, ऑक्साइड बना रहा है, B2O3 एंड H2 यहाँ से रिमूव कर रहा है। एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर के प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकता है, ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3 एंड H2 गैस यहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। गैलियम इंडियम ये तब तक रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक O2 की प्रेजेंस ना हो। देखो यहाँ पर H2O डायरेक्ट आया, डायरेक्ट रिएक्शन किया, लेकिन गैलियम इंडियम थेलियम के केस में क्या होगा, H2O के साथ में क्या चाहिए, O2 चाहिए। जब O2 होगा तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। अब जैसे थेलियम है, तो थेलियम क्या कर रहा है, थेलियम यहाँ पर रिएक्शन करके बना रहा है TlOH, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पानी के साथ में यहाँ पर इनका रिएक्शन है। नेक्स्ट है एक्शन विद एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना इसे। एक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में एलिमेंट किस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बोरोन। देखो, बोरोन डजेंट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड्स होते हैं, बोरोन उनके साथ रिएक्शन नहीं करता। अब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है। ध्यान रखना, H2SO4 को जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं, वो ओनली कंसेंट्रेटेड की स्टेट में मानते हैं। डाइल्यूट H2SO4 सिर्फ एसिड की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। जबकि कंसेंट्रेटेड H2SO4 एसिड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो अगर बोरोन के प्रेजेंस में, बोरोन की प्रेजेंस HCl या H2SO4 के साथ लाई गई, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जबकि बाकी के एलिमेंट जितने भी हैं वो सब रिएक्शन यहाँ पर कर लेंगे और H2 यहाँ से रिमूव करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन देखो, M+3HCl, डाइल्यूट HCl है यहाँ पर, ये क्या बनाया इन्होंने, MCl2 रिमूव किया और H2 रिमूव किया। यहाँ पर M क्या हो सकता है, बोरोन के अलावा कुछ भी, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एसिड हो, नेक्स्ट पॉइंट में, वेयर एज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स बोरोन गिव्स बोरिक एसिड। अगर बोरोन रिएक्शन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले एसिड्स के साथ में, तो वो क्या देगा, वो बोरिक एसिड देगा। रिएक्शन देखो, बोरोन प्लस 3H2SO4, यहाँ पर ये जो H2SO4 है कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर कंसेंट्रेटेड H2SO4 प्लस बोरोन क्या दिया, बोरिक एसिड दिया और SO2 दिया, ठीक है, SO2 यहां से रिमूव किया। और अगर बोरोन के साथ में HNO3 है, तो बोरिक एसिड तो मिलेगा ही, ऊपर लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के प्रेजेंस में बोरिक एसिड मिलेगा। H3BO3 बना और साथ में HNO3 की वजह से क्या निकला है, यहां पर NO2 निकला है, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, एल्यूमिनियम के केस में भी, अगर एल्यूमिनियम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है, तो वो क्या देगा यहां से, वो ऊपर वाली रिएक्शन मतलब H2 देगा। और अगर एल्यूमिनियम कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है, तो वह SO2 देगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। जैसे अगर हमारे पास, लिख देता हूं मैं, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, अगर डाइल्यूट है तो Al2SO4 का थ्राइस ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H2 गैस निकला डाइल्यूट में, ठीक है। और अगर कंसेंट्रेटेड है तो Al2SO4 थ्राइस ये तो निकलेगा ही, साथ में SO2 गैस यहां से रिमूव होगी, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के साथ में रिएक्शन। तो देखो,
अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल प्लस मेटल आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना सकते, मेटल प्लस मेटल का कभी भी बॉन्ड नहीं बन सकता। हाँ, बॉन्ड किसका बन सकता है? नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ में भी, और नॉन मेटल का मेटल के साथ में भी, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो मेटल एक साथ आ गए तो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो एक्शन ऑफ मेटल्स देखो, अब इस बोरोन फैमिली में सिर्फ बोरोन ही एक ऐसा है जो नॉन मेटल है, बाकी के सारे क्या है? मेटल। तो क्या वो मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे? ठीक है, तो बाकी के मेटल्स तो कोई रिएक्शन करेगा नहीं मेटल के साथ में, सिर्फ बोरोन के अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसके अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मेटल के साथ में रिएक्शन कर सकता है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि मैग्नीशियम जो कि मेटल है, बोरोन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है यहाँ पर? Mg3B2 बना रहा है। एक्शन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करेंगे? अब नॉन मेटल के साथ में तो मेटल और नॉन मेटल दोनों दोनों टाइप से रिएक्शन हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट है, देखो रिएक्शन तो सभी करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर टर्म, वो है बोरोन एंड एल्यूमिनियम का कार्बन एंड नाइट्रोजन। बोरोन एंड एल्यूमिनियम दोनों ही नाइट्रोजन के साथ, डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच हो सकते हैं, और क्या बनाते हैं यहाँ पर? नाइट्राइड। और बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों ही कार्बन के साथ भी डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं, और क्या बना सकते हैं यहाँ पर? कार्बाइड बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का कार्बाइड क्या बना है यहाँ पर? Al4C3। तो बोरोन का क्या बनेगा यहाँ पर? बोरोन का बन जाएगा हमारे पास B4C3 टाइप में कार्बाइड यहाँ पर बन जाएगा। और ये याद रखना है हमें कि ये जो BN होता है, बोरोन का जो नाइट्राइड है, ये BN अगर पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाए, BnX की फॉर्म में आ जाए, तो इसे हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। ये आगे और आने वाला है डिटेल में, और मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जो कि ऑर्गेनिक ग्रेफाइट से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड मतलब यहाँ पर हमें बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करना है कि किस किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो याद रखना है कि सिर्फ बोरोन ही ऐसा है जिसके सभी कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोरोन के सभी कंपाउंड कोवलेंट है, और बाकी अगर अदर एलिमेंट है तो अदर एलिमेंट के जो एनहाइड्रस पोजिशन होंगी वो कोवलेंट होंगे, और एक्वस स्टेट क्या होगी हमारे पास? आयोनिक स्टेट के अंदर होगी। अच्छा, इसमें एफ माइनस को हमें एक्सेप्शन में लेना है, यहाँ का जो एफ माइनस वाला पार्ट है वो आयनिक की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है हमको कि बोरोन के केस में ही सिर्फ सारे कंपाउंड क्या होंगे? कोवलेंट, और बाकी एलिमेंट्स में एनहाइड्रस वाले क्या होंगे? कोवलेंट, और एक्वस स्टेट वाले क्या होंगे? आयनिक। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ है, तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या है यहाँ पर? कोवलेंट, ठीक है। लेकिन अगर इसे कन्वर्ट कर दिया जाए एक्वस फेज में, तो ये क्या करेगा यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और ये अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो ये कौन से कंपाउंड हो जाएंगे हमारे पास? ये आपस में आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? आयोनिक कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनके कंपाउंड्स के बारे में।